नमस्कार दोस्तों, मैं किरण। मेरे YouTube चैनल किरण्स किचन गार्डन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, हार्दिक अभिनंदन आपका मेरे गार्डन में। एक लंबी छुट्टी के बाद मैं वापस आई हूँ और अपने गार्डन में उपस्थित हूँ। तो चलिए, मैं इतनी गर्मी में मेरे पेड़ पौधों की क्या स्थिति है मैं आपको दिखलाती हूँ। दोस्तों, यहाँ स्वीट कॉर्न लगी हुई है और आप देख सकते हो इसके फल कितने बड़े बड़े हो गए हैं, ये देखिए। और कुछ दिनों में ये हार्वेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगी। और जब मैं नहीं थी तो दो बार यहाँ आंधी आई थी और ओले भी पड़े थे, तो ग्रीन नेट पूरी तरह से हट चुकी थी इसकी। और उस स्थिति में यहाँ कुछ ये देखिए, इस तरह से इसके जो पत्ते हैं वो झुलस गए थे, क्योंकि 1 वीक के लिए पूरी ग्रीन नेट हटी हुई थी और उस दौरान ही कुछ पत्तियाँ इसकी झुलस गई थी। तो फिर मैं आई, उसके बाद फिर मैंने ग्रीन नेट डाला है, क्योंकि जिन्हें मैंने इसकी केयर के लिए बोल रखा था उन्हों वो अकेले इस चीज़ को नहीं कर पा रहे थे। तो फिर मैं आई, फिर सभी ने मिलकर ग्रीन नेट लगाया। और ग्रीन नेट मेरी इस तरह से, इस तरह की बाल्टी में देखिए, लकड़ी के सहारा देकर मैंने इस तरह से इसे लगा रखा है। कोई प्रॉपर इंतज़ाम नहीं करा है मैंने, तो ये थोड़ी सी भी आंधी आती है तो वो हट जाती है। ये देखिए ये कितनी बड़ी लग रही है। तो नुकसान तो आंधी आई थी तो हुई है, बट हमें प्रकृति के साथ ही चलना होता है। और यहाँ मैंने तरबूज लगा रखा था जो जिसकी बेल समाप्त हो चुकी है, सूख चुकी है, और ये पूरी खुली छत पे लगी हुई है। तो इसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप भी डाली थी मैंने, जिससे केयर करने को बोला था, वो मुझे छोटी छोटी वीडियो क्लिप भेज रहे थे, तो मैं उन्हें डालती थी। मैंने डाला हुआ है, आप देख सकते हो उन्हें। तो देखिए ये समाप्त हो चुकी हैं और उन्होंने हार्वेस्टिंग ले ली है, और कुछ जो हैं बची हुई हैं वो ये देखिए इस तरह से हैं। अभी भी इसमें फल जो हैं नीचे में लगी हुई हैं, वो जो देख रहे हैं वो इस तरह से दिख रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी हार्वेस्टिंग दिखाऊंगी आप सबों को। यहाँ बैंगन लगा रखी है, और बैंगन एक ऐसा पौधा है जो आपके गार्डन में साल भर रहता है, और ये बहुत ही अच्छे से चलने वाली प्लांट है। और ये देखिए इसमें अभी भी फल लगे हुए हैं, और इसकी 3 से 4 बार हार्वेस्टिंग फल आ चुके हैं इसमें, इसकी हार्वेस्टिंग भी हो चुकी है, और अभी भी देखिए इसमें फल लगे हुए हैं। और अब इसकी थोड़ी सी प्रूमिंग कर दूंगी मैं। और यहाँ 10 पौधे लगा रखे हैं मैंने, और ये भी बहुत अच्छे से भी चल रही है, ये देखिए इस तरह से है। ये गवार फली है, और गवार फली में देखिए इस तरह से फल आए हुए हैं। और जब आंधी आई थी तो इस दो पौधे जो हैं ये पूरी तरह से टूट चुके हैं, देखिए आंधियों में टूट गई थी, और ये सभी पौधे गिर गए थे, लेकिन लकड़ियों का सहारा देकर मैंने इसे फिर से देखिए खड़ा कर दिया है, और ये खड़ी हो गई है। और इसमें 4 ग्रो बैग में मैंने 2-2 पौधे डाले हुए हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ मैंने लौकी लगा रखी है, आप देख सकते हो। और लौकी भी आंधियों में पूरी तरह से गिर गई थी, और क्योंकि ये 2 लकड़ी का सहारा देकर मैंने इसके लिए जाल बुना था और उसी में इसे चढ़ा रखा था, तो ये पूरी तरह से गिर गई थी, और देखिए ये पूरी तरह से उलझी हुई है। तो ये अभी जिस प्रकार से है मैंने इसे उसी स्थिति में छोड़ दिया है। अगर फल आएंगे तो भी अच्छी बात है, और नहीं आएंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंधियों ने इसे पूरा तहस नहस किया हुआ था। और फिर यहाँ 3 कंटेनर में मैंने इसे लगा रखा है लौकी को, और एक कंटेनर में 2 पौधे लगे हुए हैं। यहाँ देखिए ये थर्माकोल की कंटेनर है, इसमें मैंने करेला लगा रखा है, और करेले की पौधे देखिए बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं, बहुत ही स्वस्थ दिख रही है। और ये देखिए यहाँ
एक फल भी आई हुई है, ये देखिए फल लगने लगी हैं इसमें। और इसके लिए मैंने इस तरह से छोटी छोटी लकड़ियों का देखिए जाल बना रखा है इसके ऊपर में, और इसी के सहारे ये चढ़ी हुई है इसके ऊपर। यहाँ तोरी लगी हुई है ये देखिए, और तोरी भी बहुत हेल्दी ग्रोथ कर रही है। और इसमें देखिए ये देखिए यहाँ फल लगने लगी है, मैं आपको फल दिखा देती हूँ, ये देखिए यहाँ फल लग गई है। तो दोस्तों मुझे अप्रैल मंथ में एक क्वेश्चन आई थी कि क्या हम अप्रैल मंथ में बेल वाली सब्जियाँ लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ, और ये देखिए ये इस पौधे को, तोरी के पौधे को, और इस करेले के पौधे को, और इस लौकी के पौधे को, ये तीनों बेल वर्गीय जो सब्जियां हैं इन सभी को मैंने अप्रैल मंथ में इसकी सीडलिंग की थी, और ये उसी के पौधे हैं। तो आप देख सकते हो मैं रिजल्ट के साथ दिखा रही हूँ आप सबों को कि अप्रैल मंथ में भी बेल वर्गीय सब्जियां जो होती हैं वो आप लगा सकते हो, बशर्ते कि आप उसे ग्रीन नेट के नीचे रखो और उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है हमें। और देखिए कितने अच्छे से ये हो गई हैं। तो मैं पूरे रिजल्ट के साथ मैंने आपको दिखलाया है, आप अप्रैल मंथ में भी लगा सकते हो, मई मंथ में भी आप बेल वर्गीय सब्जियां लगा सकते हो, बशर्ते कि बस उसे थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत पड़ती है और बेल वर्गीय सब्जियां हो जाती हैं। इस तरफ में मैं दिखाती हूँ, ये देखिए दोस्तों ये पूरी खुली छत है, और पूरी खुली छत में मैंने यहाँ सब्जियाँ लगा रखी है। मैंने ग्रीन नेट डाली हुई थी पर आंधी आई तो उसमें ग्रीन नेट बुरी तरह से फट गई, और उसके बाद मैं आई तो मैंने देखा कि वो लगाने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि अब 20 जून से पानी आ जाएगी तो फिर बारिश हो जाएगी, तो फिर मैं ग्रीन नेट पे पैसे मैंने खर्च नहीं करा, और फिर मैंने इसी तरह खुले छत पर ही इसे देखिए छोड़ रखा है। और उसके बावजूद आप देख सकते हो यहाँ मेरी लौकी की पुरानी बेल है, जिसे मैंने जनवरी मंथ में इसके सीडलिंग की थी और फरवरी मंथ में इसके पौध को इसमें ट्रांसप्लांट किया था, और इसकी वीडियो भी मैंने आप सबों से शेयर की है, और इसकी जितनी भी फ्रूटिंग हुई मैंने सभी को आप सबों के साथ शेयर किया है। तो दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि ये देखिए इसमें ये तीसरी बार फल लगे हैं, और ये इसकी तीसरी फ्रूटिंग है। आप देख सकते हो कितनी हेल्दी और कितनी बड़ी और कितनी लंबी ग्रोथ हुई है ये लौकी। और इसमें देखिए यहाँ भी फल लाए हैं, ये देखिए कितने लंबे फल हैं, और ये तीसरी बार में इसमें फ्रूटिंग हुई है। आपको मैं दूर से दिखा देती हूँ आप सबों को, ये देखिए। और एक बेल में दो से तीन फल लगे थे इसमें, और जिसे मैं केयर करने को बोल गई थी उन्होंने इसकी हार्वेस्टिंग ले ली है, तीन से चार लौकी की, और यहाँ देखिए छोटी सी लगी हुई है। और दोस्तों यहाँ मेरी, मैंने जिस करेले को दिसंबर मंथ में लगाया था ये यहाँ पर लगी हुई है, और इस ग्रो बैग में मैंने जनवरी मंथ में इसकी सीडलिंग की थी और फरवरी मंथ में इसके पौधे ट्रांसप्लांट किए थे, ये वो ग्रो बैग के करेले हैं। और देखिए इसमें अभी भी, देखिए इसमें करेले, बहुत सारे करेले देखिए अभी भी लगे हुए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये बहुत लंबी, देखिए यहाँ भी लगे हुए हैं, और एक यहाँ भी है देखिए, ये देखिए। और ये दो मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है, मैं इसके बीज रखूँगी। और आप देख सकते हो कि यहाँ छोटे छोटे करेले बहुत सारे भी ग्रोथ कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बेल मेरी बहुत ही लंबी चली है, आप देख सकते हो, अगर आप इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करते हो, और जबकि ये पूरी खुली धूप में लगी हुई है, तो थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करने से आपकी बेल वाली सब्जियाँ बहुत अच्छे से चलती हैं। और इसने मुझे देखिए बहुत लंबे समय तक तो इसमें फ्रूटिंग हुई है, फल दिया है इन्होंने मुझे।
गर्मियों में हमें ऐसे भी वैसे भी बहुत ही एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है अगर आप सब्जियां लगाते हो तो। और ये यहाँ देखिए, ये मैंने यहाँ कद्दू लगा रखा है और पूरी खुली धूप में है दोस्तों। देखिए यहाँ, ये देखिए, और मैं दिखाती हूँ, एक यहाँ है और एक वहाँ है। और बहुत सारी जो कद्दू लगी हुई थी उनकी हार्वेस्टिंग हो चुकी है। और मैंने इस यहाँ पर इसकी जो जाल है, जो मचान है, इस तरह से मैंने इसे सुला कर बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ आंधियाँ आती हैं मई मंथ में और सभी मचान यहाँ की गिर जाती हैं। मेरी मचान एक बार गिर चुकी है तो मैंने दोबारा उस तरह की गलती नहीं करी और इस तरह से सुला कर मैंने मचान तैयार किया है। और देखिए बहुत अच्छे से चल रही हैं, इसकी अच्छी हार्वेस्टिंग हुई है इसकी, और अभी भी इसमें बहुत सारे फल लगे हुए हैं। मैं इसकी हार्वेस्टिंग वीडियो बनाऊंगी तो मैं उससे ज़रूर दिखाऊंगी आप सबों को। और देखिए खुली धूप में है फिर भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रही है ये। दोस्तों ये देखिए यहाँ रेड ओकरा लगा हुआ है और देखिए इसे मैंने थर्माकोल के कंटेनर में लगा रखा है जैसे इस तरह से, और ये बहुत ही अच्छे से चल रही है। आप देख सकते हो इसके फल कितने खूबसूरत आए हैं, लंबे लंबे हैं बहुत ही। आप ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये खुली धूप में लगी हुई है पूरी की पूरी और फिर भी बहुत ही अच्छे से चल रही है। यहाँ 42 डिग्री तापमान हर दिन का होता है अभी, और फिर भी देखिए बस इसकी केयर करनी होती है। आप इसकी थोड़ी सी अच्छे से केयर करते हो तो ये बहुत ही अच्छे से फ्रूटिंग करती हैं। दोस्तों यहाँ मैंने 3 बैंगन लगा रखे हैं पौधे, जो मैं नर्सरी से लेकर आई थी, और देखिए इसमें फल लगने लगे हैं। ये देखिए फल आ चुके हैं इसमें, और 3 ही पौधे लगा रखे हैं यहाँ, इसमें भी बहुत अच्छे से फ्रूटिंग शुरू हो गई है। और यहाँ मिर्च लगा रखी है मैंने, और इसमें देखिए बहुत धूप है फिर भी ये देखिए इसमें फूल आने लगी हैं। तो दोस्तों एक तरफ मेरी नेट लगी हुई है और ये देख सकते हो, ये देखिए, और एक साइड पूरी इधर खुली हुई है क्योंकि नेट फट गई है तो मैंने दोबारा उस पर नहीं खर्च करा। तो बस अब जितने फल आ रहे हैं मैं उसकी हार्वेस्टिंग ले लूँगी और फिर सभी को यहाँ से हटा कर फिर बारिश की जो सब्जियाँ होती हैं सभी मैं उसके लिए अब मिट्टी पे थोड़ा सा उस पर मैं समय दूँगी। इन सभी की हार्वेस्टिंग लेने के बाद सभी को हटा दूँगी यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।